देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। आज हम खड़े हैं कल्याण रोड के अशोका होटल पर, जहां पर MIM द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कुछ दिनों पहले से भिवंडी शहर में MIM पार्टी को लेकर कुछ घमासान सा मचा हुआ था। चर्चा ऐसी चल रही थी कि कांग्रेस के कुछ नगर सेवक MIM पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर आज के इस पत्रकार परिषद में उसको अफवाह बताते हुए इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खालिद गुड्डू भिवंडी शहर के जो अध्यक्ष हैं वो उनके आने तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। बाकी पत्रकारों को यहाँ पे आयोजित करने के बाद यहाँ पर यह देखा गया कि पत्रकारों को यहाँ पर बैठने की कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण पत्रकारों ने यहाँ पर MIM पार्टी के इस पत्रकार परिषद का पुरजोर से विरोध किया और बायकॉट करते हुए यहाँ से बाहर निकल गए। मैं आशीष अंसारी, भिवंडी एक्सप्रेस से। अभी हमारे साथी खालिद गुड्डू साहब जेल में है, वो अपने पोस्ट पर बरकरार रहेंगे। उनके आने तक पार्टी का काम वहां चलना चाहिए, पार्टी का काम काज आगे बढ़ना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि आपसे गुफ्तगू करके जो अपने आप को इच्छुक समझता है प्रभारी बनने के लिए, उससे भी बातचीत करें। अगर आप कोई नाम सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी दीजिए। अगर आप आगे गुड्डू की मदद करना चाहते हैं तो आपके भिवंडी शहर से कितने निवेदन दिए गए, कितने लोग भूख हड़ताल को बैठे, कितने धरने दिए गए, कितने मोर्चे दिए गए, कैसी कैसी नुमाइंदगी की गई। गुजिश्ता जब मैं इनके मकान पर आया था, 15-20 आदमी जमा थे, उसमें से कोई कह रहा था मुझे पुलिस का फोन आ गया, किसी ने कहा हमको भी टारगेट कर रहे, किसी ने कहा मेरे भी गुना दाखिल थे, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं आया। पर कम से कम 10-5 आदमी की ऐसी टीम बनना चाहिए जो कानूनी तौर पर मुकामी सतह पर यह बताए कि खालिद गुड्डू पर जो नाइंसाफी हुई हमें नाकाबिल बर्दाश्त। तो पहली बात यह है, हमारा भाई जो जेल में बंद है, जिसको सियासी इंतजाम का निशाना बनाया गया है, उसके लिए अवामी सपोर्ट, अवाम में बेदारी मुहिम वो चला। यकीनन नवीसी साहब, विद्या जगरी साहब, इन सब के हंगाम हिदायत है कि गुड्डू भाई की किस तरह से मदद करना चाहिए, मदद की जाए। उसके लिए हम बैठेंगे, जो हजरात जिम्मेदार है हमारे कांग्रेस साहब बहुत काम करते हैं, कोई और भी उनके साथ में जमा होकर निवेदन का तरीका दिया जाए। मुझे बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें भी मालूम हुई कि बात जगह अपनी कानूनी पोजिशन बहुत अच्छी थी, पर अपन ने कुछ नहीं किया। जिस तरह से उनके मकान से वो जो कंप्यूटर का CCTV का CD हार्ड डिस्क दिया गया, उसकी कॉपी तक नहीं रह सके। यानी हमारे पास, हमने पुलिस के पास अपनी बात भी सही अंदाज में पहुंचा नहीं सके। मैं समझता हूं एक कानूनी टीम, वकीलों की टीम, जिम्मेदारों की टीम मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाए, ताकि हमारा जो शहर अध्यक्ष है खालिद गुड्डू साहब, हम इनकी मदद कर सकें। तो वो एक कमेटी बनाएंगे, जिम्मेदार बनाएंगे, ताकि मुकामी तौर पर अरबाब इख्तदार को, इंतजामिया पुलिस को एहसास हो कि हम नाइंसाफी ठंडे पेट बर्दाश्त नहीं करें। जमुनी तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जो जो मुमकिन है वो कोशिश से करेंगे। हमको भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंसाफ के लिए जमुनी तरीके से जद्दोजहद करें, इंशाल्लाह इस सिलसिले में कमेटी बनाएंगे। दूसरी बात, हमको पार्टी के काम को भी आगे बढ़ाना। मैंने कहा ना, भिवंडी ताकत का मरकज है, अगर भिवंडी की आवाम जाग गई तो पूरे महाराष्ट्र को दिशा दे सकती है।